नमस्ते बच्चों, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, राजा के नए कपड़े। मैं हूँ अम्मू और अम्मू एंड यू चैनल पर हर बार की तरह आज फिर से एक बड़ी ही प्यारी मजेदार कहानी सुनाने के लिए आ गई हूँ। महाराज के नए कपड़े। बहुत समय पहले की बात है, एक देश में एक महाराज रहते थे। उनको नए कपड़ों का बहुत शौक था। वो सुबह नए कपड़े पहनते, दोपहर को पहनते, फिर शाम को पहनते, और उनके पास तो इतने कपड़े थे कि उनको समझ ही में नहीं आता था कि वो क्या पहने। एक बार दो चतुर धोखेबाजों ने राजा के पास जाने की सोची। उनके मन में राजा को बेवकूफ बनाने का एक बड़ा ही खूबसूरत प्लान था, एक योजना थी। दोनों पहुंचे। हम दोनों कपड़ा बुनते हैं, कारीगर हैं, लेकिन हम साधारण कारीगर नहीं हैं। हमारे जो बुने हुए कपड़े हैं उन्हें कोई भी मूर्ख व्यक्ति देख ही नहीं सकता। क्या मूर्ख व्यक्ति नहीं देख सकता? तब तो ऐसे जादुई कपड़े का एक मुझे बढ़िया सा पोशाक चाहिए। जी महाराज, हम इसीलिए तो आए हैं, और इस जादुई पोशाक को बुनने के लिए हमें ढेर सारा कपड़ा चाहिए, और उस कपड़े को हम सोने के तागों से बुनते हैं, तो हमें ढेर सारा सोने का तागा चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। और राजा ने सोने के तागों की ढेर लगा दी। दोनों ने सोने के तागों को बोरी में भरा और बैठ गए बुनाई का काम करने। झूठ मूठ बुनने को तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वो बुनने का नाटक करने लगे। एक रात को सम्राट ने अपने प्रधानमंत्री से कहा, मंत्री जरा देख के आइए तो हमारा जादुई कपड़ा बुना जा रहा है कि नहीं, और वो कैसा दिखता है। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, देखा वो दोनों बैठे हुए क्लैकेटी क्लैक क्लैकेटी क्लैक क्लैकेटी क्लैक ऐसे आवाज कर रहे हैं, लेकिन कपड़ा कहाँ है? कोई कपड़ा नहीं दिखा। मैं क्या बेवकूफ हूं? मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिख रहा? लेकिन मैं तो ये बात राजा को नहीं बता सकता। ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री वापस सम्राट के पास गए, और उनके जाते ही वो जो दोनों जुलाहे थे, जो कपड़ा बुन रहे थे, हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उधर प्रधानमंत्री राजा के पास पहुंचे और बोले, अरे बहुत ही शानदार कपड़े की बुनाई हो रही महाराज, आप देखेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अब वो दोनों थोड़े ही दिनों बाद फिर से राजा के पास आए और बोले, सोने का जो तागा था वो खत्म हो गया है महाराज, थोड़ा सा और चाहिए हमको। उनको फिर से दे दिया गया ढेर सारा सोने का तागा, और उन्होंने उसको बोरे में भर के बंद कर दिया। अब वो जुलाहे पूरे दिन कपड़ा काटने का, बुनने का, सिलने का नाटक करते रहे। और थोड़े दिनों बाद जब राजा का धैर्य समाप्त हो गया, उन्होंने कहा, भाई अब जल्दी से मेरी पोशाक मुझे मिलनी चाहिए। महाराज को बुलाया गया और उन जुलाहों ने पूरा नाटक किया जैसे कि वो महाराज को नई पोशाक पहना रहे हों। उनके सारे कपड़े उतरवा लिए और बोलने लगे, वाह महाराज, ये कितना अच्छा जच रहा है, देखिए देखिए, और फिटिंग भी कैसी अच्छी आई है। और एक शीशा दिखाया, लेकिन शीशे में तो महाराज को अपने तन पर कुछ कपड़े ही नहीं दिखे। मैं क्या सच में इतना बेवकूफ हूं, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा? ना ना ना, कतई नहीं। कितना शानदार सूट है ये, क्या खूबसूरत पोशाक बनाई है तुम दोनों ने, वाह, तबीयत खुश हो गई। और ऐसा कहते हुए राजा चले गए और दोनों जुलाहे हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट हो गए। अब महाराज ने ऐलान किया कि मैं एक बहुत बड़ा जुलूस निकालने वाला हूं, जिसमें कि
मैं नए पोशाक जादुई पोशाक पहन कर जाऊंगा। चारों तरफ घोषणा हो गई, ऐलान कर दिया गया कि फला दिन फला समय महाराज जुलूस निकालेंगे और अपनी नई पोशाक में प्रजा के सामने आएंगे। तय किए हुए समय पर दिन पर महाराज जुलूस के आगे आगे चले। उनको वहां पहुंचाने से पहले जुलाहों ने उनके सारे कपड़े उतरवा के नए पोशाक पहनाने का नाटक किया और खूब तारीफ करके बोले, महाराज आप शानदार लग रहे हैं। लेकिन महाराज को तभी भी कुछ भी कपड़े अपने तन पर नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो कह भी नहीं सकते थे क्योंकि उनको लगा नहीं तो सब समझ जाएंगे कि वो बेवकूफ हैं। अब ढोल नगाड़े बज उठे क्योंकि महाराज नई पोशाक पहनकर जुलूस के आगे आगे चलने वाले थे। दूर दूर से लोग महाराज को देखने आए और देखकर तो आंख ही फटी की फटी रह गई, सबका मुंह खुल गया। महाराज तन पर कोई पोशाक नहीं, महाराज नंगे, ओहो। लेकिन क्या बोलते, आखिर में कोई बोला, महाराज आपकी पोशाक वाकई शानदार है। तब दूसरा भी बोला, क्या खूबसूरत लग रहे हैं, क्या जच रहे हैं। और हर कोई बोल उठा जिससे कि कोई भी अपने आप को मूर्ख न साबित कर पाए। ये चल ही रहा था कि एक छोटा सा बालक भीड़ में से चिल्ला उठा, अरे अरे देखो महाराज नंगे जा रहे हैं, कपड़े ही पहनना भूल गए। और ऐसा कहना था कि सब हंस पड़े। उसकी बात सुनते ही महाराज का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो शर्म में डूब कर जितनी तेजी से भाग सकते थे राजमहल में भाग गए। और वो दो जुलाहे, उनका तो कहीं नामो निशानी नहीं था। सोने के तारों की भरी हुई बोरियां लेकर वो चंपत हो चुके थे। कितने बेवकूफ लोग हो सकते हैं बच्चों। कहानी कैसी लगी, हंस रहे ना आप लोग, मैं भी बहुत हंस रही थी। हंसिए, हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसी बेवकूफी मत करिएगा जिससे दूसरे आप पर हंसे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आने का दोबारा फिर से इंतजार करिए। तब तक के लिए अम्मू कहती है टाटा।